इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान से सुनना, यूपीएससी में आ सकता है। पनीर पर 5% जीएसटी, बटर पर 12% और मसाला 5%। तो पनीर बटर मसाला पे कितना जीएसटी लगेगा? इसको सोचने दो, तब तक आप जरा सोचो कि जीएसटी रेट डिसाइड कैसे होती है। 2020 में कुछ कंपनीज ने ना खुश होकर जीएसटी में अपील करी, क्योंकि वो दो प्रोडक्ट बना रहे थे, रेडी टू ईट रोटीज एंड रेडी टू कुक पराठा। रोटी पे लग रहा था 5% जीएसटी, बट पराठे पर लग रहा था 18%। तो उनकी मांग थी कि पराठे को भी 5% मिले जाओ। जीएसटी अथॉरिटी ने मतलब क्या जवाब दिया? रोटी का पैकेट फाड़ के उसको डायरेक्टली खाया जा सकता है, बट पराठे को पहले निकालना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा, शायद तेल या बटर यूज होगा, उसके बाद उसको खाया जा सकता है, इसीलिए हम उस पे 18% जीएसटी लगाएंगे। और अभी रिसेंटली हरियाणा की एक कंपनी है खेड़ा ट्रेडिंग, ये कंपनी बनाती है पिज्जा टॉपिंग्स। इन्होंने आर्ग्यू किया कि हमारी चीज टॉपिंग्स में 14.5% मोजरेला चीज है, 15% मिल्क प्रोडक्ट्स है, अराउंड 30% इसका कंपोजिशन मिल्क प्रोडक्ट से आ रहा है, और इसमें एक चीजी टेक्सचर भी है, दैट इज व्हाई इस पे चीज के हिसाब से टैक्स लगना चाहिए 12%। जीएसटी अथॉरिटीज ने भयंकर रिसर्च करने के बाद ये जवाब दिया कि आपकी टॉपिंग्स में 22% एडिबल ऑयल है, इसका मतलब इसको चीज कंसीडर नहीं कर सकते, इसको डाला जाएगा फूड प्रिपरेशन की मिसलेनियस कैटेगरी में, जहां पर लगता है 18% जीएसटी। तुझे क्वेश्चन पूछा था ना?